हाय हेलो एवरीबॉडी, सेकंड पार्ट मैं सोच रहा हूँ कि जो एसएससी का फिजिक्स का जो पीडीएफ है उसका सेकंड पार्ट मैं बना दूँ। 100 क्वेश्चन जो 100 के बाद के हैं उसका ये कर देता हूँ, और इस बार मैं अच्छे से बनाऊँगा पीडीएफ का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, 100 तक तो मैंने बनाया था, और यहाँ से देखते हैं। पहला है, देखिए, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न है कि तेल का पृष्ठ तनाव जो है, सरफेस टेंशन जो है, पानी से बहुत कम होता है, इसकी वजह से। 102, देखिए, निम्नलिखित में से उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है? तो पहला ऑप्शन है दो नेत्र प्रवर्धक, दृष्टिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपको ये दृष्टिकारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट एक माप है, किसका नॉट एक माप है? नॉटिकल माइल्स आपने सुना होगा, समुद्र में जो जहाज़ चलते हैं ना, तो उनकी स्पीड नापने के लिए नॉटिकल माइल्स का यूज़ होता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, जलयान की गति नापने के लिए। जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह वियोजित करता है, क्या वियोजित करता है? वो वियोजित करता है केवल विद्युतमय तार को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड, देखिए ये है 105। सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, तो सूर्य का ताप जो पृथ्वी तक पहुंचता है, इस प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा वो पहुंचता है? तो इसकी पहुंचने की प्रक्रिया विकिरण होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, या फिर पिघलती हुई पलावी बर्फ से? तो इसमें से भाप से होता है, बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न होता है। जो नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत होता है? तो ये होता है तूफान का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले सबसे पहले कौन थे? नेल्स बोर थे। द्रव्यों में चुंबकत्व के कारण क्या होता है? द्रव्यों में चुंबकत्व के कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। वर्तुल मतलब समझते हैं ना, अंदर जैसे गोल 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 घूमना। मानव की आँख के निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जाता है? सही अवतल लेंस की प्रयोग करके हम जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जैसे निकट की वस्तु उसको दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो ये कहने का क्या मतलब है कि दूर की चीज़ों को स्पष्ट देखने के लिए क्या है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 111, देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण हो सकता है? तारों के टिमटिमाने का कारण हो सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका, जो हिंदी मुझे नहीं आता है अभी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। 112 देखते हैं, 112 में हमारा है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुल मापी का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो बहुल मापी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये धारा को भी मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और वोल्टता को भी, प्रतिरोध को भी, मतलब सभी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे हैं, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों को विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय विखंडन पर ये आधारित है, ठीक है। निम्नचित वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश के प्रक्षेपण इसका इसमें से जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर काम करता है, कोशिका क्रिया पर, ठीक है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है घनत्व को मापने के लिए, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करता है, फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ठीक है। 121, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल एक ध्वनि स्तर का माप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आ
नेक्स्ट है, सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, तो ये जो है क्या होता है, तो ये अवरक्त किरण का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, तो ये आती है सूर्य ताप से। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं, दृष्टिकारी, ठीक है, या परिशोधक। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो पराबैंगनी किरणों में ये जो है किस में होगी, अवरक्त किरणों में, ठीक है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो पवन की गति को मापने वाला एनीमीमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा देने वाले न्यूटन थे। त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है, तो इसके लिए प्रयुक्त धातु क्या होना, क्या होगा, कॉपर। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, क्योंकि क्योंकि गुब्बारे का जो वजन है उसके द्वारा विस्थापित वायु का वजन से जो है कम होता है, इसकी वजह से वो ऊपर की ओर मंडराता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें से लेंस प्रयोग होने वाले हैं सिलेंड्रिकल लेंस का, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हाँ ये है अतिचालक वे तत्व हैं, अतिचालक वे तत्व हैं जिनकी प्रतिरोधक प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, ठीक है। अतिचालक मतलब होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है एक एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, वो होता है। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, तो किसी लेजर में जो है, या था नियोन लेजर में सभी परमाणु उत्सर्जित करते हैं, वो क्या है, उस ये जो करेंगे ये एक ही आवृत्ति के सही है, एक ही आयाम के ये भी सही है, और एक ही कला के ये भी सही है, मतलब सब सही है इसमें से। निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक होती है, तो उष्माधारिता सबसे अधिक होती है जल की। यदि किसी स्थान का तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, अपेक्षिक आर्द्रता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो घटेगी, ठीक है। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एम का पूरा नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पूरा नाम होता है। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा, नीला होगा, ठीक है। कपड़ों को धोते समय उसमें नील का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वह सभी वर्गों के संयोजक के कारण उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, एक सेकंड, ये हो नहीं रहा अच्छे से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो हमारी है वो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण क्या हो सकते हैं, तो इसके भारहीनता के जो कारण हो सकते हैं, कक्षा में, कक्षा का जो मतलब उसमें जो त्वरण है ना, बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसके लिए वहाँ पे जो है भारहीन महसूस होता है। धर्म किसका यूनिट है, धर्म, धर्म नहीं यार, ये कुछ और है, पता नहीं क्या है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। 140 उष्मा का चालक होता है, क्या है पता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन का पहला गति का नियम क्या बताता है, जड़त्व की संकल्पना ये देता है। तो सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। जल का ताला कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन है, ठीक है। मानव को विदित ऊर्जा सबसे पुराना रूप क्या है, सौर ऊर्जा। कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, ताप ऊर्जा। हम सदा चंद्रमा की वही पासर देखते हैं, क्योंकि वह जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन में। देखते हैं, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर वाला जो, ये देखिए दूसरा ऑप्शन है इसका वाला, जो पानी की हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं, ठीक है। 148, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैराशूट का जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है, हाँ, तो वायु की प्रतिरोधक अधिक होगी और इसके कारण वो धीरे धीरे नीचे आता है। 149, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आर्द्रता मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है
आपका स्लिंग साइक्रोमीटर, अच्छा तो ह्यूमिडिटी नापने के लिए तो हाइग्रोमीटर यूज़ होता है, अब यहाँ पे आर्द्रता मापने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर, वैसे ये भी याद कर लीजिए ये भी ठीक रहेगा। कारों के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, तो ये है पारा, ये होते हैं पर्यवेक्षक अवतल दर्पण होते हैं, ठीक है ये वाला आंसर है इसका। 50 तक किया है, 150 तक, तो आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।